एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड विद तानी। तो आज मैं अपने चैनल पे आपके साथ में शेयर करूंगी एक डॉटन की का स्किन करेक्टिंग सीरम विद 10% नियासिनामाइड। तो ये मुझे रिसीव हुआ है लास्ट वीक एंड मैं लास्ट वन वीक से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ एंड आज मैं आपके साथ में इसका रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो भी आपके साथ में प्रोडक्ट शेयर करती हूँ वो 100% ऑनेस्ट रिव्यूज़ होता है, क्योंकि मैं उसको अपने स्किन पे यूज़ करने के बाद में ही आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ डॉटन की का स्किन करेक्टर सीरम विद 10% नियासिनामाइड। इसमें है ग्लोइंग बूस्टर्स एंड 1% जिंक एंड विटामिन B3 एंड ई। ओके, तो कंपनी क्लेम करती है कि जो नियासिनामाइड है वो आपके स्किन को क्लियर करने में हेल्प करता है, जो आपके स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं तो उनको लाइटन अप करता है एंड स्किन को करता है एकदम करेक्ट एंड ब्राइटन अप। तो ये एक क्यूट सी पैकेजिंग में आता है इस तरीके की एंड ये 15 ml की पैकेजिंग है। 15 ml की बॉटल मुझे इस तरीके की रिसीव हुई है, ग्लास बॉटल है एंड जो इसकी बॉटल है पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है एंड डॉटन की के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट सी मिलती है। तो ये 545 rupees की इसकी प्राइसिंग है। ओके, एंड मे बी ये डिस्काउंट पे भी मिलता रहता है, बट मैंने जब इसको परचेज किया तो उस टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं था, तो मुझे ये 545 rupees में ही डिस्काउंट, मतलब 545 rupees में ही मिला था। तो इसकी एक क्यूट सी पैकेजिंग है एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल वॉटरी है, ये इस तरीके का है एंड बहुत ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी है इसकी। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको विजिबल है तो। एंड जब हम इसको अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो एक अच्छा सा ग्लो देता है आपकी स्किन को, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। मतलब जिनकी स्किन ड्राई है तो वो ये अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची फील होगा। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मुझे अपनी स्किन पे ये ओके लगा है, फिर भी मेरी स्किन विंटर्स में ये यूज़ करने के बाद में काफ़ी ड्राई हो जाती है। इसमें एक एस्ट्रोजन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस है और जिन लोगों को फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है तो उनको थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगेगा, बाकी इट्स फाइन। तो इस टाइप की पैकेजिंग है इसकी एंड अब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ इसके रिजल्ट। ठीक है, मेरे स्किन पे ऐसे कोई स्पॉट्स वगैरह नहीं है तो मैं इसको लास्ट वन वीक से यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे इसको यूज़ करने के बाद में कोई भी मतलब स्किन के अंदर चेंजेस नज़र नहीं आए। मैं इसको ना मुझे कोई ऐसा ग्लो दिखा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर दिखी है, मतलब जो स्किन थी एज इट इज़ वैसी है। मे बी ये एक वीक ही हुआ है मुझे यूज़ करते हुए, अभी तक मैंने बॉटल को सिर्फ यहाँ तक यूज़ किया है, तो मे बी सिर्फ मैं इसको एक वीक ही यूज़ किया है तो अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा, और शायद ये बॉटल कंप्लीट यूज़ करने के बाद में मुझे कुछ रिजल्ट दिखेगा। तो अगर एक महीना यूज़ करने के बाद में या मे बी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने के बाद में अगर मुझे कुछ रिजल्ट दिखा तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, बट यूजिंग ऑफ अ वीक, मतलब अभी तक एक वीक में मुझे इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखा। तो ये है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट डॉटन की स्किन करेक्टर सीरम। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके के ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलते रहेंगे एंड मैं आपके साथ में और भी न्यू प्रोडक्ट्स के वीडियो शेयर करूँगी एंड आपको और भी मेरे जो लाइफस्टाइल डेली व्लॉग्स ये सब हम शेयर करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।